सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। होप करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, अपने घर में सेफ होंगे। सो अभी आ गए हैं आप लोग एक नया टॉपिक लेके, क्योंकि अब पूरे यूरोप को लेके नए नए टॉपिक्स आते रहेंगे, किस कंट्री में क्या चल रहा है, क्या अपडेट्स हैं। सो आज की वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, इसको स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना, क्योंकि ये खास उनके लिए होने वाली है जो बेचारे हमारे भाई लोग हैं जो लॉकडाउन में फंस चुके थे इंडिया में, या फिर जिनका प्लान था कि इंडिया से कहीं बाहर निकलें, कुछ करें, इन्वेस्ट करें, वर्क परमिट पे जाएं, टूरिस्ट वीज़ा पे घूमने जाएं, या फिर वॉट एवर। कोई लोग सोचते थे कि हम लोग दो नंबर से जाएं, बट सारे वे ही एक टाइम पे बंद थे। बिकॉज अगर आपको दो नंबर में भी कहीं निकलना है तो आपको किसी कंट्री में एंट्री लेनी पड़ेगी, बट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, बिकॉज ऑफ कोविड, सब लोग हाम हुए हैं। सब लोगों के फ्यूचर, सब लोगों की जो एक्सपेक्टेशन थी अपनी लाइफ को लेकर कि कुछ करना है आगे जाके, वो सब हार्म हुई है। सो इस वीडियो को पूरी देखें, नया अपडेट है, बहुत अच्छा अपडेट है आप लोगों के लिए, स्पेशली लेके लाए हैं। तो फिर आप इस पूरी वीडियो को देखना, एंजॉय करना, इंट्रो एंजॉय करो। तो सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, बस सैनी ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पे चैनल का लिंक सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, नीचे सब्सक्राइब बटन है, बेल आइकन है, उसको ठोक दो, बेल आइकन को सब्सक्राइब बटन दबा दो, लाइक कर देना एट द एंड, अगर वीडियो अच्छी लगी तो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो। सो फिर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को, पूरी देखें। हाँ जी, तो भाई जो अपडेट है, अपडेट ये है कि ट्रैवलिंग बंद थी, सब कुछ बंद था, बट हम अब स्वीडन की बात करें, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ये कंट्री में ये है, ये कंट्री में वो है, क्योंकि बिकॉज ऑफ लॉकडाउन सब ने अपना बंद कर रखा था, किसी का भी विजिट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, ये सब क्लोजिंग था बिकॉज ऑफ कोविड, क्योंकि काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शन थी, काफ़ी सारी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन थी, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही फैल चुका था कोविड, जैसे आप लोगों को पता है हमारे इंडिया में भी बहुत था। बट फ्रॉम द 2nd of May रिस्ट्रिक्शन हट चुकी हैं, स्वीडन में रिस्ट्रिक्शन हट चुकी हैं, आप इजीली अपना अप्लाई करें। जिस मेरे भाई का फाइल अच्छी है, जिस मेरे भाई की फाइल बहुत अच्छी है, ट्रैवल्ड है, या फिर अच्छी कंपनी में काम करता है, इंडिया में करता है या कैसे भी करता है, अच्छी अर्निंग है, आईटीआर स्ट्रांग है, या फिर एज अ कपल हो आप लोग की शादीशुदा हो या एजिड हो, तो आप लोग अप्लाई करें। ज़्यादा वीक प्रोफाइल हो तो बहुत सोच समझ के अप्लाई करें, किसी एजेंटों के चक्कर में ना पड़ें। अगर आपको विजिट वीज़ा अप्लाई करना है तो विजिट वीज़ा बहुत इजीली अप्लाई हो जाता है, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको बस एक पैकेज लेना है यहाँ पे किसी अच्छी, जो टूरिस्ट वाले होते हैं जो पैकेज भेजते हैं कंपनी का, अपने उनकी कंपनीज होती हैं जो टूरिस्ट को पैकेज भेजते हैं, अच्छी कंपनी से पैकेज लें, अपना अपॉइंटमेंट उठाएँ, अपनी फ़ाइल रेडी करें, अपनी ITR फाइल रेडी करें। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, कमिंग वीडियोज आएंगी उसमें मैं आपको प्रॉपर बताऊँगा कि अगर आपको शेंगेन वीज़ा, विजिट वीज़ा लेना है, टूरिस्ट वीज़ा लेना है, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी करने चाहिए और बिना किसी एजेंट के चक्कर में फंसे आप खुद अपनी फाइल कैसे रेडी कर सकते हैं। सो ये बात थी कि स्वीडन ने अपना ओपन कर दिया है विजिटर वीज़ा, आप विजिटर वीज़ा लगाएं, आराम से अपना तरीके से फाइल को लॉक कर, फाइल को अपलोड करें VFS में एंड अपना वीज़ा लें और अपना आ जाएं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको जहाँ जाना है आप जाएं, 26-27 कंट्रीज जो भी हैं आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। एंड सारी कंट्रीज़ बंद थी तो इसका ये है कि अभी भी कुछ कंट्रीज़ हैं जो बंद हैं, बट अगर कुछ कंट्रीज़ ने खोल दिया, लाइक हम पुर्तगाल की बात करते हैं, पुर्तगाल में भी ये है, पुर्तगाल में कोविड का सिस्टम पूरा हट चुका है, हमें अब रेस्टोरेंट्स में बाहर कहीं पे भी मास्क की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ दो जगह मास्क पहनना पड़ता है, एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, एक हॉस्पिटल्स में, बाकी कहीं मास्क की लोड नहीं है। यहाँ पे भी खुल चुका है, पुर्तगाल में भी आप विजिटर वीज़ा लगाओ, अप्लाई करो, अपना आओ, क्योंकि मैं काफ़ी लोगों से मिल रहा हूँ जो न्यू आए हैं, अभी 1 महीने 15 दिन 20 दिन पहले आए हैं यहाँ पे, न्यू इंडिया से ट्रैवल अपने भाई लोग आ रहे हैं, उनसे मिल रहा हूँ तो समझ आ रहा है कि हाँ सब कुछ चल रहा है। फिर अपडेट्स देखिए तो अपडेट्स ये है कि विजिटर वीज़ा आप पुर्तगाल का अप्लाई करें, स्वीडन का अप्लाई करें, और एक और कंट्री है अगर आप लोगों को उसके बारे में पता होगा, ऑस्ट्रिया, शेंगेन का ही पार्ट है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया का वीज़ा आप अप्लाई करें। ये कंट्रीज़ अब एकदम खुल चुकी हैं, और इनको देखते देखते मैं ये नहीं कहना चाहता कि सिर्फ यही कंट्रीज़ खुल चुकी हैं, काफ़ी कंट्रीज़ हैं जो ओपन हो चुकी हैं। आप स्वीडन ले लो, आप पुर्तगाल, जैसे मैंने आपको बताया पुर्तगाल है, ऑस्ट्रिया है,
फ्रांस है, फ्रांस काफ़ी टाइम से खुला था, फ्रांस का वीज़ा भी बहुत अच्छी, अगर ठीक ठाक आपकी प्रोफाइल है तो आपको वीज़ा मिल जाता है। सो फ्रांस ले लो, पोर्चुगल ले लो, स्वीडन ले लो, ऑस्ट्रिया ले लो, एंड माल्टा, माल्टा भी खुल चुका है, माल्टा का भी वीज़ा, माल्टा का भी वीज़ा, विश्र वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भ्रम में मत रहना, कोई अगर आपको एजेंट ये कह रहा है कि मैं आपका इस तरीके से करा दूंगा, इतने पैसे लगेंगे, ये है वो है, कंट्रीज बंद है, पर हमारे ये कनेक्शन है, हमारे कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं, मेरे को मैसेज आते हैं कि भाई हम वो मेरे एजेंट बोला कि मेरा VFS में कनेक्शन, तो VFS वगैरह में भाई कोई कनेक्शन ऐसे नहीं होते हैं, होते होंगे जो कुछ ज़्यादा ही बड़ी तरीके के एजेंट बने हुए हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। आपका वीज़ा आपको ऑफिसर ने देना है, वो आपको वहीं से ही मिलना है, इसमें कोई इतना जैक नहीं लगता। तो ये बात है, और ज़रूरी नहीं है ये कंट्रीज़, अगर आप इन कंट्री में, अगर आपको मान लो जर्मनी जाना है, अगर आपको किसी और कंट्री में जाना है बट वहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शन है, वहाँ पे नहीं चल रहा है, बट आप इन कंट्रीज़ में आओ, इन कंट्रीज़ में आने के बाद आप इजीली उनमें चल, क्योंकि आपके 26-27 कंट्रीज आप मूव कर सकते हो, घूम सकते हो अपने विजिटर वीज़ा पे, चाहे आप स्वीडन का लेके आओ, चाहे आप पोर्चुगल का लेके आओ, आप कहीं का भी लेके आओ, तो आप लेकर आओ, उसके बाद किसी भी कंट्री में जाओ, कोई इशू नहीं है, कोई आपको रोकेगा टोकेगा नहीं, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, सब इजीली वेलकम कर रहे हैं बहुत अच्छे से, कोई ऐसे इशू नहीं। आप कहीं का भी वीज़ा लेके आओ, पोर्चुगल आओ, पोर्चुगल तो ऑलवेज वेलकम, सबके लिए वेलकम करता है। तो भाई ये लोग आप लोगों के लिए छोटी सी अपलोड थी, बट डोंकी वोंकी का मत यूज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा डेंजर होता है, एजेंटों के पैसों के चक्कर में मत पड़े, वो पैसे उन्होंने पैसे बनाने हैं, आपको दो बातें मीठी बोल ली आप लोग बातों में पड़ के कि हमारा फ्यूचर सुधर जाएगा, उस चक्कर में मत पड़े, अपनी थोड़ी सी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करें, एशिया में कुछ कंट्रीज़ घूमें, आसपास की दुबई चले जाएँ, कतर चले जाएँ, कहीं आसपास की कंट्रीज़ जाएँ, वहाँ पे थोड़ा सा विजिटर वीज़ा लेके आप चले जाएँ, सिंगापुर चले जाओ, मलेशिया चले जाओ, थोड़ी थोड़ी कंट्रीज़ आप चले जाओ, अजरबैजान, एक और बात कि अजरबैजान का भी ई वीज़ा इंडिया के लिए चालू हो गया था लगभग 2 महीने पहले। सो ये छोटा सा अपडेट है आप लोगों के लिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जो आपके फ्रेंड्स हैं, भाई बहन, रिश्तेदार हैं, जो इस चीज़ को दिमाग में लेके बैठे हैं कि नई वीज़े नहीं खुले हैं, विजिटर वीज़ा पे भी नहीं जा सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, इन इन कंट्रीज़ में जहाँ मैंने आपको बताया, स्वीडन, पोर्चुगल, माल्टा, ऑस्ट्रिया, ये कंट्रीज़ में तो प्रॉपरली खुल चुका है 2 मई से, नॉट येट, अभी मैं सोच रहा 2 मई से खुल रहा है, जो अपडेट आया कि 2 महीने से सब कुछ ओपन हो रहा है। सो होप करता हूँ आपको ये वीडियो प्यारी लगी होगी, जल्दी जल्दी आप व्लॉग्स आते रहेंगे, जैसे आप देख रहे हो मैं डेली डालने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत अच्छे इन्फॉर्मेशन व्लॉग्स आते रहेंगे, तो सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब बटन है नीचे, लाइक ठोक दो अगर अच्छा लगा अपडेट, नहीं लगा तो आपकी मर्ज़ी है, कमेंट छोड़ दो कि किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, बट शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ध्यान रखिए अपना, अपनी फैमिली का, लव यू ऑल।